we are discussing only about whole ASCII numbers. Whole ASCII numbers means C language के अंदर जितने भी available ASCII characters हैं और available character symbols हैं सभी characters को display कराया था plus along with their ASCII value. Now next one we want to discussing or we want to displaying only ASCII value of uppercase characters, lowercase characters and digits. First of all we must have idea about basic range. ASCII value means first one uppercase. Uppercase के regarding बात करें फर्स्ट केस में क्या है ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी अप टू कैपिटल जेड. एज वी नो व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए 65 66 67 68 एंड सो ऑन. फाइनली लास्ट केस में क्या है 90. तो इस केस में रेंज क्या है मिनिमम रेंज इज 65 मैक्सिमम रेंज इज 90. तो इस केस में फाइनली अगेन एक सीरीज जनरेट हो रहा है. इस केस में अगर अपर केस कैरेक्टर्स का ASCII वैल्यू डिस्प्ले कराना है आपका सवाल क्या है सिंपल रेंज. और इस केस में जब लूप स्टार्ट करें लूप के केसेस में बिगिनिंग इनिशियल वैल्यू क्या हुआ आई इक्वल्स टू 65 मींस वॉइड मैन. सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओनली अबाउट अपर केस कैरेक्टर्स मींस अपर केस लोअर केस और डिजिट्स सभी केस. मींस नेक्स्ट वन क्या समथिंग लॉजिक्स अबाउट लोअर केस. लोअर केस के केस में बात करें फर्स्ट लोअर केस क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी अप टू स्मॉल जेड. ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल इज 97 ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल बी इज 98 99 100 एंड अप टू 122. देन डिजिट्स डिजिट्स के केसेस में बात करें डिजिट्स के केस में ASCII वैल्यू क्या है फर्स्ट वन फर्स्ट डिजिट इज 01 डिजिट मीन्स हियर कैरेक्टर्स 2, 3, 4, 5 अप टू 9. फर्स्ट डिजिट 0. 0 के केस में ASCII वैल्यू क्या था 48, 49, 50, 51 अप टू 57 लाइक दैट. ओवरऑल देखा जाए तो इस केस में डिजिट्स का मिनिमम मीन्स इन तीनों में से मिनिमम ASCII वैल्यू का रेंज किसका है डिजिट्स का विच इज 48 to 57. नेक्स्ट वन नेक्स्ट रेंज किसका इसके जस्ट बाद 65 टू नेक्स्ट वन क्या 65 अप टू 90. नेक्स्ट वन अगेन नेक्स्ट केस क्या होगा इस केस में नेक्स्ट केस ASCII वैल्यू स्टार्ट कहां से 97 आफ्टर दैट 97 टू 122 मींस इस केस में अगर अपर केस कैरेक्टर्स की बात करें इस केस में प्रॉपर सीक्वेंस है लोअर केस के ASCII वैल्यू में प्रॉपर सीक्वेंस अवेलेबल डिजिट्स के केस में प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है. लेकिन अगर इन तीनों को मर्ज किया जाए तो इस केस में मीन्स डिफरेंस कितने का सम नॉट अ वन. इस केस में मीन्स प्रीवियस केस में डिफरेंस कितने का मैंने जोड़ा वन का नेक्स्ट केस में भी डिफरेंस कितने का मैंने जोड़ा वन का इन दैट केस. देन फाइनली लास्ट केस में डिफरेंस कितने का मैंने जोड़ा वन का. लेकिन इन दोनों केसेस में अगर बात करें देयर इज नो प्रॉपर डिफरेंस इस इक्वल डिफरेंस है क्या नहीं. जब भी इक्वल डिफरेंस नहीं हुआ देन कभी भी डायरेक्टली लूप्स के थ्रू डायरेक्टली मैनेज करना पॉसिबल नहीं. या तो आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करनी नीड होगी या फिर वन बाय वन तीनों ही केसेस में सेपरेट लूप्स डिजाइन कर. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनली मैं 3 सेपरेट लूप्स राइट डाउन करूंगा इस केस में. सबसे पहले मैं डिजिट्स को प्रिंट कराऊंगा देन अपर केस देन लोअर केस. तो डिजिट्स को डिस्प्ले कराने के लिए सिंपली लूप कहाँ से चलाना है लूप स्टार्ट कहाँ से कराएंगे फ्रॉम ASCII वैल्यू ऑफ 0 मीन्स 48 अप टू ASCII वैल्यू ऑफ 9 मीन्स 57. रेंज क्या है गिवन फर्स्ट वन फोर लूप के केस में इनिशियलाइजेशन कैसे हुआ आई का इनिशियल वैल्यू ऑफ द सीरीज इज 48 और सिंपली ASCII वैल्यू ऑफ 0. सपोज दैट अगर आपको ASCII वैल्यू आने देन डायरेक्टली क्या राइट करोगे कैरेक्टर वैल्यू डिजिट है 0. देन कब तक चलाना है जब तक आई का वैल्यू 9 के ASCII वैल्यू से छोटा है देन एवरी टाइम आई प्लस प्लस. नेक्स्ट वन डिस्प्ले वैल्यू ऑफ प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई परसेंट डी और फर्स्ट वन वी वांट टू डिस्प्लेइंग कैरेक्टर वैल्यू बाय यूजिंग परसेंट सी देन वी वांट टू डिस्प्लेइंग ASCII वैल्यू स्लैश एन आई कॉमा आई. नेक्स्ट वन इस जब ये लूप कंप्लीट होगा इस लूप के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हो जाएंगे ऑल डिजिट्स अलोंग विद ASCII वैल्यू. नेक्स्ट वन डिस्प्लेइंग अपर केस के लिए अगेन सेपरेट लूप रिक्वायर्ड होगा फोर लूप
आई इक्वल्स टू अपर केस के केस में इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे, आस्की वैल्यू ऑफ ए। कंडीशन क्या है इस केस में, कब तक लागू, जब तक आई का वैल्यू जे के आस्की वैल्यू से या तो छोटा है या बराबर है, और वी कैन से डायरेक्टली 90। यूज क्या करेंगे, जेड सॉरी नॉट अ जे। नेक्स्ट वन, डिफरेंस कितने का मैंने जोड़ा इस केस में, वन का। अगेन डिस्प्लेइंग सेम प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ परसेंट सी एंड परसेंट डी एंड स्लैश एन, देन अगेन डिस्प्लेइंग आई कॉमा आई। नेक्स्ट वन, फाइनली नेक्स्ट टाइम लूप केस के लिए मैनेज करना लोअर केस कैरेक्टर। लोअर केस के केस में इनिशियल वैल्यू क्या है, आई इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। कंडीशन इज आई लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल जेड, देन आई प्लस प्लस। डिस्प्लेइंग अगेन प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ परसेंट सी इस कैरेक्टर वैल्यू एंड आस्की वैल्यू स्लैश एन आई कॉमा आई। मीन्स इस केस में अगर देखा जाए लूप के केस में ओनली लूप को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैनेज किया, लेकिन सभी लूप्स के अंदर बॉडी सेशन कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। बॉडी में क्या पास किया, सिंपली प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर डिस्प्ले क्या हो रहा है एवरी टाइम, कैरेक्टर वैल्यू और आस्की वैल्यू है सर, दोनों तीनों ही प्रिंट एफ के केस में सप्लाई क्या हो रहा है, आई कॉमा आई लाइक दैट। नेक्स्ट वन, सेम प्रोग्राम सिंगल लूप से भी मैनेज करना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। इस केस में इनिशियली आस्की वैल्यू क्या था, 48, मीन्स मिनिमम आस्की वैल्यू क्या, 48 टू 57। नेक्स्ट वन, 57 के जस्ट बाद क्या, 65 टू 90, देन 90 का नेक्स्ट वन क्या था, 97 टू 122। फाइनली इस केस में फर्स्ट वैल्यू क्या है, 48, लास्ट वैल्यू क्या है, 122। इसी लूप को डिफरेंट टाइप से अगर मैनेज करना हो तो यूज क्या करेंगे, समथिंग 4i = 48 और आस्की वैल्यू ऑफ 0। कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 122 और आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल जेड आई प्लस प्लस। अभी मैंने डायरेक्टली वन से इंक्रीमेंट कराया, लेकिन इस केस में वन से इंक्रीमेंट सभी सिचुएशन में फॉलो नहीं हुआ। इन दैट केस लूप मीन सिंपली लूप कहां से चला रहा हूं, 48 से लेकर 122 तक, लेकिन जैसे इस केस में प्रॉपर डिफरेंस मैनेज नहीं होता, मीन्स इफ आई ग्रेटर देन, कंडीशन क्या होगा इस केस में, इफ यू डोंट वांट टू डिस्प्ले, मीन्स इस केस में इस रेंज के बिटवीन में कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं कराना, इस रेंज में कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं कराना, तो उसके लिए अप्लाई क्या करें, सम इफ कंडीशंस। इफ कंडीशन क्या होगा, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कंडीशन क्या है, अगर आई का वैल्यू 57 से बड़ा है, इफ आई ग्रेटर देन आस्की वैल्यू ऑफ 9 एंड I less than ASCII value of 65 means small a, means I का value 9 से बड़ा है, I का value 9 के ASCII value से अगर बड़ा है और a के ASCII value से अगर छोटा है, then इस केस में परफॉर्म क्या कराएं, कंटिन्यू सेम एज इन दैट केस। अगर I का value 90 से बड़ा है और इस केस में अप्लाई क्या कराएंगे, और conditions, और I greater than 90 मीन्स आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल जेड अगेन एंड, मीन्स इस केस में टू रेंज प्रोवाइड करना है, दिस इज द फर्स्ट रेंज, दिस इज सेकेंड रेंज, ये दोनों रेंज मेंटेन किससे होंगे, एंड ऑपरेटर से। ऑलरेडी बताया था जब भी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंडीशन अप्लाई करना है, यूज क्या करेंगे, एंड, और एक से ज्यादा एक्सप्रेशन लिए इनको कंबाइंड किससे कराएंगे, और ऑपरेटर से। इसलिए फर्स्ट केस किससे मर्ज किया, एंड से, सेकेंड भी मर्ज से एंड से, लेकिन दोनों को किससे कंबाइंड किया, और ऑपरेटर से। नेक्स्ट केस क्या है, इस केस में कब तक कंटिन्यू कराना है, विदाउट प्रिंटिंग एनी मैसेज, जब तक आई का वैल्यू 97 से छोटा है, 97 मीन्स स्मॉल ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन इस केस में कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना, सिंपली क्या राइट कराएंगे, कंटिन्यू। ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कंटिन्यू का वर्किंग क्या, जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन। बट सपोज दैट अरे एफ कंडीशन फॉल्स है देन डिस्प्ले क्या कराएंगे, अगेन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग परसेंट डी और परसेंट सी देन परसेंट डी स्लैश एन अगेन डिस्प्लेइंग आई कोमा आई। मीन्स इस केस में सेम प्रोग्राम, मीन्स
इस कंप्लीट लॉजिक का अल्टरनेटिव क्या है, दैट वन मींस सेम प्रोग्राम इस लॉजिक का यूज करके भी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल। या तो आप फर्स्ट लॉजिक प्रोवाइड करो मींस थ्री सेपरेट इंडिपेंडेंट लूप, इस केस में आपको कोई एक्स्ट्रा इफ कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं हुआ, और दूसरा केस का सिंगल लूप के थ्रू मैनेज करना पॉसिबल, लेकिन इस केस में रिमेनिंग केसेस में यूज क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्लियर?